hello students in this video we will do the next question answer of lesson the little fir tree our next question is look at the picture below in the yellow box there are eight things you can see six of them in the picture you cannot see the other two write down the four things that you can see so here is the picture and this the yellow box you can see write some word can you see ducks in this picture yes can you see dog in this picture no can you see boy in this picture yes can you see fountain in the picture no fountain means fawara jharna next is mat can you see mat in the picture yes this is the mat can you see girl in this picture yes can you see tree in this picture yes and can you see flowers in this picture yes so two things we cannot see in this picture that is fountain and dog so st students you have to write these four words right like this we have write ducks boy mat and girl understand

यानी कि यहाँ पे बहुत सुंदर लेक है लेक का मतलब होता है झील नेक्स्ट इज टू आर स्विमिंग इन द लेक यानी दो बतख जो है लेक में स्विमिंग कर रही हैं एंड द नेक्स्ट इज देयर आर ऑल्सो मैनी ग्रीन ट्रीज इन द पार्क पार्क में बहुत सारे ग्रीन ट्रीज हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर्स हैप्पी और अनहैप्पी यानी कि कौन से एक्शन जो हैं वो आपको हैप्पी या अनहैप्पी दूसरों को करते हैं सो देयर आर सम गिवन इन दिस बॉक्स फर्स्ट इज रिस्पेक्टिंग एल्डर्स यानी कि बड़ों का आदर करना नॉट सेइंग थैंक यू दूसरों को थैंक यू नहीं भूलना तो अगर हम रिस्पेक्टिंग अदर्स यानी दूसरों का आदर करते हैं तो हैप्पी लगेगा ना और दूसरों को यस yes. और अगर हम किसी को थैंक यू नहीं बोलें तो वो अनहैप्पी लगेगा नेक्स्ट इज़ बीइंग पोलाइट यानी कि पोलाइट रहना आराम से अच्छे से बात करना तो ये हैप्पी लगेगा ना नेक्स्ट इज़ प्लेइंग विथ फ्रेंड्स दोस्तों के साथ खेलना यस yes. दूसरों को अच्छा लगता है विजिटिंग अ सिक फ्रेंड यानी कि बीमार दोस्त के पास जाकर मिलना यस yes, उसको बहुत अच्छा लगेगा नॉट शेयरिंग किसी के साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करना तो ये अच्छा लगेगा नो वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे पूरे दिन टेलीविज़न देखना तो बेटा पूरे दिन टेलीविज़न नहीं देखने चाहिए दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो सो दिस मेक्स अदर्स अनहैप्पी टेलिंग लाइज झूठ बोलना दूसरों को या कभी भी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए तो दूसरों को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती बींग ग्रीडी लालची होना तो लालची नहीं होना चाहिए तो ये भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा केयरिंग फॉर पैट्स यानी कि पैट्स यानी जान जो जानवर होते हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं घर में पैट्स तो उनका ध्यान रखना केयरिंग करना येस दिस मेक्स अदर्स हैप्पी गेटिंग एंग्री इजीली यानी कि जल्दी से गुस्सा होना तो ये तो बहुत गंदी बात होती है जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहिए बींग ऑनेस्ट ईमानदार रहना आप अपनी किसी बात को बोलते हो सच्चाई के साथ ईमानदारी से बोलना तो ये सबको अच्छा लगेगा दैट मेक्स अदर्स हैप्पी सो वी हैव टू राइट इन दिस लाइक दिस एक्शन दैट मेक्स पीपल हैप्पी जो एक्शंस जो लोगों को अच्छे लगते हैं द एक्शंस दैट मेक्स पीपल अनहैप्पी वो एक्शंस जो लोगों को अनहैप्पी लगते हैं सो दीज आर द एक्शंस लाइक रिस्पेक्ट अगर कोई पूछे एक्शंस बताइए जो लोगों को uh, अच्छे लगते हैं पीपल हैप्पी दैट इज़ रिस्पेक्टिंग एल्डर्स बींग पोलाइट प्लेइंग विथ फ्रेंड्स विजिटिंग अ सिख फ्रेंड केयरिंग फॉर पैट्स बींग ऑनेस्ट सो दीज एक्शंस मेक्स पीपल हैप्पी एंड वैन एनी बडी आस्ट एक्शंस दैट मेक्स पीपल अनहैप्पी So, not saying thank you, not sharing, watching television all day, telling lies, being greedy, getting angry easily. So, these actions make people unhappy. So, thank you, Surin. Do these question answers.